लंच करेगा नहीं सब लोग, आवाज निकलता बेटा के लागे नींद तो नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स जैसा देख रहे हैं 27 फरवरी बैच हमारे साथ है और आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और लास्ट डे इनका और फेयरवेल है। और छोटा सा स्टूडेंट की तरफ से अभी यहाँ पे एक पार्टी भी था जो कि सब लोग लंच कराए, उसके लिए पूरी टीम की तरफ से थैंक्स कहना चाहूंगा मैं। हालांकि अपन सब टीम ही है, एक बार सब लोगों के लिए जोरदार क्लैप कर दो। तो यहाँ पे जो अभी लंच करे वो हमारी तरफ से नहीं था, स्टूडेंट की तरफ से था, क्या भाई? हाँ सर, है ना? नहीं सोच रहे होंगे दिखाने वाले यहाँ बिरयानी खिला के भेजते। फोन पे में बिरयानी तो नहीं खिलाते ना भाई, काम सिखाते हम लोग। स्टूडेंट ने अपनी तरफ से ये जो भी करे ये लोग बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, ये प्राउड की बात है। तो अभी एक केक सेलिब्रेट कर लेंगे, उसके बाद 20 दिन से ये लोग जो मेहनत कर रहे थे उनके लिए जो है अभी सर्टिफिकेट भी दे देंगे सबको, सर्टिफिकेट सेरेमनी भी करेंगे और लास्ट डे है उसके बाद इनका रिव्यू पूछेंगे। सब लोग कैसे हैं भाई? मजे में। आज लास्ट डे है, 20 दिन से साथ में थे, पूरा इंडिया यहाँ पे है। जाने के दिन ऐसा भी होता है कि अरे इतने दिन से दोस्ताना हो जाता साथ में, तो बाद में फिर थोड़ा लगाव भी हो जाता। जाने के दिन ऐसा भी लगता कि और थोड़े दिन रुकते तो अच्छा था, ऐसा भी हो रहा होगा किसी को, है ना? पिछले बैच में तो बच्चे इतने रोके और रुला के भी जाते भाई, क्योंकि 20 दिन से साथ में रहते दोस्ती हो जाती है ना। तो चलो सबसे पहले देखो इसके आंखों में आंसू भी आ गए। आ जाओ केक 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 काट दो सब लोग, आओ आप काटो, आप काटो, पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो। 27 फरवरी बैच तो पहले सर्टिफिकेट ले लेंगे फिर खाएंगे। अभी लंच करें ना अपन, पहले खाते हैं, लास्ट में खाते ना, थोड़ा पहले सर्टिफिकेट कर लेंगे, ठीक है? पेट अभी फुल है, तौफिक के पास जरा जब तक जगह भी बन जाती। तौफिक सर बोले हमारे पास जगह नहीं है तो इधर जगह बना रहा हूँ। किसी के पास नहीं है, 90% कंज्यूम हो गए। थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड ठहर जाओ पूरे। अरे अरे कहीं की नजर। और भी लाया मैं, ठीक है बाद में ले जाना। अरे एक सब बोल लो कैमरा बंद कर। उधर ही डाल लो बोला नहीं आते कैमरे में। अरे
खालिद एक दो तीन फोटोस ले लो आपके साथ आ जाओ आप इधर आ जाओ चेयर पीछे कर दो चेयर हटा दो बैठ जाओ ना बैठ जाओ थोड़ा दो गाड़ी पीछे बैठ जाओ बैठ 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 जाओ आएगा जरा जरा अरे छोटू किधर है छोटू किधर है मेरे पास हाथ रखो यहां जाओ आ रही बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं ये जो बैच है लास्ट डे है आज 27 तारीख का आप देख रहे हैं सभी स्टूडेंट को मैं तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा पूरी टीम की तरफ से कि जो भी आप लोगों ने इतना सब कुछ किया हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम सबका यही दुआ है ख्वाहिश भी है कि आप लोग बहुत ज़िंदगी में आगे जाएँ जितना आपका इनकम था 4 गुना ज़्यादा आप लोग कमाएं और यहाँ पे आप लोग सिर्फ काम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी सीखे होंगे कि बिज़नेस कैसा करना है कस्टमर से कैसा बात करना है बहुत सारी चीज़ें आपको दौरान ट्रेनिंग के दौरान सिखाते है ना बैठ जाओ तोफी तो बस यही है मेहनत करने से ही आदमी आगे जाता ना भाई हर दिन मेहनत ही करना है अपने को एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा ये आप लोग फूल पिनाए छाल दिए ये बहुत बड़ी बात है इसका कोई ऐसा चार्ज नहीं लगा सकते इसका ये जो भी मिलता है एक टीचर के लिए आप दिल से करें कि हम ही पैसे दिए आपको करने के हम लोग तो पैसे नहीं दिए ना भाई क्योंकि बाद में बोलेंगे फोन फिक्स में गए तो बिरयानी खिलाते और खुद पैसे दे के हार पिनाने लगा लेते ऐसा तो नहीं है ना हमारे को तो मालूम भी नहीं था ये आज फंक्शन हो रहा बोल के मैं तो शौक हो गया देख के खालिद बोले कि ऐसा कुछ है सर फंक्शन आ जाओ तो पहले से तो मालूम नहीं था ना हमारे को तो आप लोग जो भी करे दिल से करे क्योंकि जब आपको कुछ मिलता तभी आप लोग ऐसा आगे बढ़ के अपने से करते बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैं देखता हूँ बच्चे नाम भी नहीं लेते इंस्टीट्यूट का इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो पुराने स्टूडेंट सीख के जाके भेजे से भी है है ना भाई दोबारा यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर का काम सीखे ऑनलाइन में फिर दोबारा आए क्योंकि आए आप क्योंकि आपको कुछ मिला इतनी दूर आ गए आप कहाँ से हैं आप महाराष्ट्र से तो आपको कुछ मिला तभी तो यहाँ तक आए ना नहीं तो आते क्या दोबारा नहीं आते भाई ठीक है एक बार सबके लिए थैंक यू वेरी मच एक बार 2000 क्लास तो चलिए सर्टिफिकेट्स अपन ले लेते हैं ज़रा सबके दो अल्फाज बोलेंगे उनके सुनिए और एक बात जो भी आएंगे थोड़ा उनके लिए क्लैप्स करिए ठीक है तो सबसे पहले बुला लेते हैं अरबाज पठान को जोरदार क्लैप्स अरबाज पठान के अरबाज कहाँ से हैं आप थोड़ा सा बताओ मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद ज़िले से हूँ कब से काम कर रहे थे आप मैं काम नहीं करता था फ्रेशर हूँ बिल्कुल हमारे भाई ने एड्रेस दिया था अच्छा वो आपके स्टूडेंट थे अच्छा उन्होंने हमें यहाँ का एड्रेस दिया था जी जी तो हम यहाँ पर आ गए देखिए जैसे मैं अभी पहले ही बताया आपको कि एक बच्चा आकर सीख के जाके दूसरे बंदों को भेजना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो कि उनको कुछ मिला तभी तो वो यहाँ भेजे नहीं तो पूरा पैसा वेस्ट होता है मत जा भाई बोलेंगे हाँ। आपको जो भेजे उनको क्या बोलना चाहेंगे आप उनको तो एक थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया उनका नाम भी लेना चाहूँगा अब्दुल नाम है उनका अच्छा वो आपके स्टूडेंट थे हम उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ये इंस्टीट्यूट बेस्ट है तुम यहाँ जाओ फोन फिक्स ही जाओ जो सोच के आए थे मिला आपको हाँ सर अभी जाके काम कर लेंगे हाँ सर बिल्कुल कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे जो भी आना चाहते हैं वो बिंदास आ सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ एकदम डिटेल्स में समझाते हैं ऐसा बोलूँगा कि एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पूरा सिखाते हैं कोई चीज़ की कमी तो नहीं है आपको रहने की नहीं नहीं कोई कमी नहीं टीचर्स का सपोर्ट कैसा रहा टीचर का सपोर्ट एकदम अच्छा रहा बढ़िया रहा छोड़ के तो नहीं चले जा रहे क्लास में नहीं सर चलिए थैंक यू वेरी मच अरबाज इनके लिए एक बार 2000 क्लास करो
दीनदयाल सिंह के लिए जोरदार क्लैप्स। कांग्रेचुलेशन। ओह कांग्रेट्स। दीनदयाल कहाँ से आप? सर मैं मुंबई से। मुंबई में कहाँ से? मुंबई बोरीवली। बोरीवली से कब से काम कर रहे थे आप? मैं तो 8-10 साल से। अच्छा, 10 साल बाद भी आप फ़ोन फिक्स आए? जी। दिल्ली वगैरह, गुजरात, मुंबई में या फिर नॉर्थ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट वहाँ नहीं गए यहाँ पे? सर यहाँ का मुझे बेस्ट लगा के। तो सोच के आए थे, मिला आपको? जी मिला। अभी जाके काम कर लेंगे जो काम में फंस रहे थे। बिंदास। क्या कहना चाहेंगे कोई आना चाहे फ़ोन फिक्स? एकदम बिंदास आ सकते हैं, यहाँ पे जो भी सिखाते हैं बहुत अच्छे सिखाते हैं। और सही। कितना घंटा क्लास चल रहा था अपना? सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे। रहने का, खाने का कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र से? जी सर। बोरीवली हो तो महाराष्ट्र में आता है? मुंबई में आता है। मुंबई में आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बार क्लास इनके लिए, मोहम्मद जाकिर के लिए जोरदार क्लास। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और स्टूडेंट है 27 फरवरी बैच के, जाकिर कहाँ से हैं आप? मैं संगारेड्डी, हैदराबाद। हैदराबाद लोकल के ही है, लोकल के भी यहाँ पे आ सकते हैं बच्चे, कोई भी आना चाहे हैदराबाद हो, तेलंगाना, एपी से। कब से काम कर रहे थे आप? मैं 16 साल से हूँ सर फील्ड में। थोड़ा ड्रेसिंग में प्रॉब्लम आता था, एसी बोले तो क्या नॉर्मली एसी डाल देते, अब जितना आ रहा एसी में कर देते थे और उसके बाद के ड्रेसिंग नहीं आती थी, वो प्रॉब्लम होता था। मीटर रीडिंग में प्रॉब्लम होता था, अब डबल लेकर में भी बहुत सा प्रॉब्लम होता था, अभी यहाँ करके आप बहुत आसानी से डाले सकते। सब चीज़ आप कर सकते हैं, अभी जो काम वापस जा रहा था आप कर सकते हैं, अभी कॉन्फिडेंट आया ऐसा आपको? यहाँ पे जो भी करके बताया लाइव करें, यहाँ पे लाइव करें सर, टीचर सामने बताया आपको कि नहीं सिर्फ वीडियो तो प्ले कर दिए? नहीं, लाइव करके बताया सर। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग करके बता के कर लो जाओ बोल के छोड़ देते, लेकिन जो भी मोबाइल यहाँ पे लेते हैं अमन पूरा है उसको एंडिंग तक करते प्रोसेस लाइव। कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? जो भी आ सकते हैं बिंदास आ सकते हैं, और 0 लेवल से हाई लेवल तक सीख सकते हैं यहाँ पूरा। जो सोच के आए थे मिला आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सब मिला। और यहाँ पे जो है आप अकेले काम करेंगे सारे जितने स्टूडेंट हैं? जितने स्टूडेंट्स हैं सब काम। टीचर्स का कैसा रहा सपोर्ट? टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट है और सब जने एक अच्छा सिखा रहे थे। कोई ऐसा हाइड करने की कोशिश? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कितने बार भी पूछो बोल देते हैं। सेटिस्फाई है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एक बार क्लैप्स इनके लिए। आतिश सिंह के लिए जोरदार क्लैप्स। नहीं 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 मत करो। आतिश कहाँ से है बताओ? मैं मुंबई सांता क्रूज से हूँ। कब से काम कर रहे थे आप? काम तो 10 महीने से किया हूँ सॉफ्टवेयर का। अच्छा, तो यहाँ पे आया मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, हार्डवेयर करके सोचा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कर लें? हाँ। तो यहाँ कैसे आए आप फोन फिक्स में? आपका सर वीडियो देख कर आया। तो जो देख रहे थे वीडियो में वैसा ही है कि कुछ? वैसा ही है, सेम सेम टू सेम। कुछ फेक तो नहीं रहता? नहीं, मैं भी सोचता था इतना जल्दी कैसे हैंड स्किल सिखा देते थे, लेकिन मैं यहाँ पे आया 2 से 3 दिन में हैंड स्किल खुद काम करे ना। ऑन फोन पे करने डर तो नहीं लगता अभी? नहीं सर, वन टाइम में हो गया था, ब्लैक पेस्टेड ऐसे सब हो गया था। वन टाइम में कर रहे, डैमेज तो नहीं करते थे ऐसी? नहीं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखो ऐसे ही है, बच्चों को आईसीओ पे काम करने नहीं आता, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर पे। आपको इतना आसान कैसे लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे, कितना हीटिंग, कितना एयर उस समय निकालने के लिए, तो फिर इजी हो जाता है हीट और एयर से। जो टीचर आपको टेक्निक बताए, ट्रिक बताए, उससे तो पॉसिबल होता, नहीं तो टूल्स तो सब जगह रहते हैं सारे। हाँ, टूल्स तो सब जगह रहते। टूल्स से होता काम के तरीके से काम होता? तरीके से होता है, तरीके से काम होता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो मोबाइल भी नहीं खोल सकते अपने। नहीं सर। और उल्टा फिराने गए तो उल्टा टाइट होकर डिस्प्ले टूट जाता है, किधर खोलना है स्क्रू वो मालूम होना चाहिए, है ना? कितना, बहुत बच्चे ज़्यादा टाइट करके सामने से डिस्प्ले फोड़ देते हैं उसका,
ये भी ऐसा ही है, एयर हीट किधर से हीट मारना है, कितनी मारना है, ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ से आप वैसे? मुंबई सांता क्रूज से। कोई आना चाहे, क्या बोलना चाहेंगे मुंबई के बच्चों? बिंदास आ सकते हैं, मुंबई से कहीं से भी हो, पूरे भारत से कहीं से भी आ सकते हैं। अच्छा, अभी आपका एज थोड़ा ऐसा कम लग रहा है, 18 साल के ऊपर ही है ना आप तो? 19 साल के है, बहुत कम एज में आ गए आप इतनी दूर। आपके भाई जो आपको भेजे यहाँ पर, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको दिल से धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि वही पूरा सपोर्ट किए तो फिर मैं यहाँ पे आ चुका आया हूँ उनकी वजह से। अब जाके वो सामने उनके अपोजिट दुकान तो नहीं लगाते ना? नहीं उनके पास ही करना काम, जो भी आपको पैसे लगा के जो भी भेजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे पहले भेजे तो सीख के जाके सामने ही दुकान खोल देते उसके। नहीं, वाला बेचारा परेशान, मेरे पास काम करने पैसा लगाया मैं और आके अपोजिट कर देते या तो छोड़ के चले जाते, तो फिर बिजायज वाला का क्या है? नहीं सर, चाचा के साथ ही काम करना। चाचा के साथ करो, उनका जो तुम्हारे पे उम्मीद थी उसको और आगे लेके जाओ, उनका विश्वास मत तोड़ो, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, एक बार क्लैप्स कर दो। तुम बोलना चाह रहे? ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, सलीम खान के लिए जोरदार क्लैप्स। सलीम जो है बिल्कुल फ्रेशर है, पहले कभी काम नहीं करते थे आप? कहाँ से हैं वैसे? कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है। आज भी एक मोबाइल बना के आप ग्रुप में डाले जी, उससे पहले भी बनाए, बिल्कुल फ्रेशर है ना भाई? पक्का? हाँ, हमारे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि तुम ऐसा लेवल पे काम कर ले रहे 20 दिन बाद, तो अभी क्या फ्रेशर मानते क्या अपने आपको? अभी भी नहीं, अभी तो लगता है कि कोई एक लेवल पे मैं इतने सारे सालों के टेक्नीशियन के बराबर पे काम कर रहे हैं आप जी सर। तो अपने आप को अगर आप आगे मानोगे तो ही और आगे जा सकते जी। अगर अपने आप को तुम अगर से नेगेटिव फीलिंग लाते रहोगे तो और नीचे चले जाते, बराबर है ना? तो कैसा रहा 20 दिन का सफर? बहुत लंबा, बंगाल से इतनी दूर आ गए, कलकत्ता नहीं गए आप, गुजरात नहीं गए, दिल्ली नहीं गए, मुंबई नहीं गए, कौन फिक्स हैदराबाद में क्यों आ गए? वहीं यहाँ पे मैं YouTube पे पहले वीडियो देखा था, मतलब बहुत टीचर लोग का जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और भी मैं बहुत सारा वीडियो देखा था, तो ये मतलब वेस्ट आया था, मैं यहीं पर आ गया। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे आपको कुछ ये फ्री दे रहे वो फ्री दे रहे बोल के तो नहीं बुलाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बार बार कॉल करके लड़की लोग तंग नहीं किए? एक बार भी तो कॉल नहीं किए यहाँ से, नहीं करे ना? नहीं करे, क्योंकि इससे पहले भी दूसरा इंस्टीट्यूट में मतलब इंक्वायरी के लिए कॉल किया था, उन लोग वीकल में तो कम से कम 10-15 बार कॉल कर देते, सुबह ही का शाम पर, सर जी क्या हुआ आपका प्लान, क्या हुआ आपका प्लान, क्या हुआ, कब आ रहे, डिस्काउंट दे देंगे, पैसे कम करेंगे, ऐसा भी बोले होंगे मतलब पूरा। अभी यहाँ पे तो मैं 4-5 महीने पहले ही कॉल किया था एक बार भी, उसके बाद से कॉल ही नहीं है कि कैसे आ रहे कि नहीं, बाद में फिर कुछ भी नहीं था, बाद में भी फिर सर से बात करके अपना सीट बुकिंग किया था, उसके बाद आ गया। आप में से किसी को यहाँ से बार बार कॉल करके आने तो नहीं बोले वही? नहीं सर, नहीं बोले ना यहाँ से? अभी बहुत जगह में ऐसे ही चल रहा, दूसरे इंस्टीट्यूट में अभी तक भी मैसेज आते हैं आपके जाने, अगर आप उनके पास कोर्स करके चले भी जाओ फिर भी आते रहेंगे आपको मैसेजेस, है ना? अभी आजकल नया निकल गया भाई, टूल फ्री ले लो, हम ये दे रहे फ्री, वो फ्री दे रहे, काम नहीं सिखा के अगर हम लोग आपको थोड़े 50 वीडियो दे देते, क्या बोलते, क्या बोलते भाई? जो काम सीखे आप 20 दिन में वो नहीं सिखा के अगर मैं एक वीडियो का कंटेंट दे दूं आपको चलेगा क्या? अब आजकल मार्केट में यही चल रहा है, कोई वीडियो दे रहा है, कोई डायग्राम दे रहा है, कोई टूल दे रहा है, समझ रहे हो आप? कोई सपोर्ट के नाम पे एक बंदे को बिठा के रख दे रहे हैं, खाली तू सपोर्ट देते जा भाई, वो बंदा खुद काम करने वाला नहीं है, खाली वो रिप्लाई देने वाला है। तो काम का सही आंसर वही दे सकता जो काम रोज कर रहा है, जिसका हाथ से डेली काम होता है वही आपको सही बता सकता। एक बंदा लैपटॉप के पास बैठा है 24 घंटे आपको आंसर दे रहा है, बोलो क्या उसके आंसर से काम बन पाएगा क्या? आपने नहीं बन पाता, लेकिन आजकल बच्चों को चला रहे हैं ऐसे ही, क्योंकि उनको चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चों का क्या चाहिए? कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद में फिर यही मैसेजेस शुरू, समझ रहे हो भैया? यही चल रहा है अभी। आप क्या बोलते हैं, आपको मैं अगर ये काम जो सीखे आप बीजे नहीं सीखा के एक हार्ड डिस्क में 2 TB का वीडियो दे देता हूँ? तो मेरे को तो ऐसे ही कुछ भी नॉलेज नहीं था, बाद में तो बस देखता था यूट्यूब में जैसे, वही बस ना खोल पाता ना कुछ कर पाता। अभी हाथ से ब्लैक पेशर्ट खोल ले रहे? हाँ, ये करा के नहीं करा भाई काम? हाँ, सब लोग करे ना। हाँ, इजी ट्रिक, ब्लैक पेशर्ट खोल ले रहे, व्हाइट पेशर्ट खोल ले रहे, डायग्राम रीड करना आसान हो गया अभी? हाँ सर। अभी कोई कहीं सीखने की जरूरत है क्या किसी को भी? अच्छा, मैं सबसे पूछ रहा हूँ भाई, दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में दिखेंगे क्या? आवाज नहीं आया, जरूरत नहीं हमारे को, सीख लिया बहुत है। आप
जरूरत नहीं है ना किसी को भी, हाँ क्योंकि इतना लेवल पे यहाँ सिखाते तभी तो दूसरी जगह नहीं जा सकते। अगर आपको 100 में से 10% काम सिखा के 90% हाइट कर लें तो कैसा रहेगा? तो फिर दिखेंगे आप कहीं पे कहीं ना कहीं। अब मार्केट में ऐसे ही चल रहा है, 10% काम को भी 2-2, 3-3 महीने लगा के बिठा दे रहे बच्चों को। इजी ट्रिक बताओ ताकि उसका काम सक्सेस हो जाए, तो तुम्हारा भी टाइम बचता है उसमें। टीचर का तो काम ही है सिखाना है, लेकिन बच्चे का टाइम बचेगा तो जाकर दुकान पर वो पैसे कमा सकता। समझो एक 2 ब्लैक पेशेंट डाल के 2 फोन ही बना लिया, क्या 3,000 रुपए नहीं कमा सकते क्या? कमा सकते सर। बंगाल से क्या कहना चाहेंगे अगर कोई आना चाह रहे बंगाल से यहाँ पे? ये तो बोलूँगा कि कुछ मत सोचो, बस आ जाओ यहाँ पे, बहुत बेहतरीन है। और हमेशा तो सर लोग घूमते रहते हैं क्या हुआ कि नहीं, किसी से अगर रिवॉल्व भी नहीं हुआ तो उनको सामने बिठा के फिर करवाते हैं दोबारा। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, बहुत अच्छा लगा यहाँ। सपोर्टिंग स्टाफ है तो बहुत, कोई टूल देने में कमी तो नहीं कर दिया? नहीं, कोई कमी नहीं है, थिनर नहीं दे रहे, पीपीटी नहीं दे रहे, पूरा फुल है। सुबह 8 बजे भी आने बोलते हैं 2 घंटा और करो भाई प्रैक्टिस आके, प्रेशर है तो और आ जाओ। और नाइट पे बस 8-8:30 हो जाते थे, अभी जाके काम करेंगे जी। एक बार जोरदार क्लैप्स कर दीजिए इनके लिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा पेन नोट्स है तो लाओ ना भाई, पेन नोट्स लाए क्या कोई? नहीं लाना, भूल गए ना। दादा कवाड़े के लिए जोरदार क्लैप्स। कवाड़े नहीं 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 भाई, नहीं भाई नहीं करो भाई। तो फ्रेंड्स हमारे साथ एक और स्टूडेंट है दादा कौड़े जी, क्या कहना चाहेंगे आप 20 दिन का सफ़र के बारे में बताइए। सर बहुत अच्छा रहा था सर सफ़र, मैं सोचा भी नहीं था कि मेरे को इतना सारा नॉलेज मिलेगा। हालांकि पहले से ही मैं 7-8 साल से काम कर रहा था, मगर काम ऐसा कर रहा था कि अब मेरे को वो सोच के भी मेरे को ऐसा बुरा लग रहा है कि मैं इतना बुरा काम करता था। 8 साल खराब कर दिया। हाँ, अगर आप पहले, अगर 6 साल पहले आ जाते तो बहुत सर आज बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता था मैं मेरे गांव पे। जो काम वापस जा रहा था, जो काम खराब हो रहा था वो तो इनकम बन के पैसे देते थे अपने को। पैसा तो अभी कौन सी भी चीज़ आप रस्ते पे भी कमा सकते हैं, लेकिन दुकान पे काम जब वापस जाता था तो बहुत बुरा लगता। बिल्कुल, हर टेक्नीशियन को लगना भी चाहिए बुरा, जब यहाँ पे आग लगेगी तभी तो कहीं जाएंगे ना भाई। रॉकेट को भी आग लगाए तो ही ऊपर जाती है, है ना। अपने को भी आग लगना चाहिए, जो काम वापस जा रहा अगर आपको समझ में आ गया बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे बैठ के आपके जैसे जितना काम हुआ कर रहे हैं, उसके बाद पेज डल के हीट मार रहे और मोबाइल बनने वाला भी बंद करके शेड्यूल पत्रे उतरे निकाल के वापस कर दे रहे, उनको क्या बोलना चाहेंगे? हालांकि मैं भी वही काम करता था, अभी झूठ बोलने से कुछ मतलब नहीं है। बिल्कुल, पूरा नॉलेज नहीं था, कौन सा भी प्रॉब्लम आया तो मोबाइल खोलने का, उसको हीट लगा के थिनर वो डाल के साफ करके वो दे देने का, ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देख के कुछ करके कुछ सीख नहीं पाते हैं। हालांकि ऐसा फोन फिक्स में ही आके पूरा नॉलेज मिलेगा, पूरे नॉलेज के साथ अच्छे से काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठ के ऐसे ही हीट मार रहे हैं, ऐसे हिला दे रहे हैं, पेस्ट डे के नहीं वो भी नहीं मालूम, मगर हीट मार देते तो उसमें से गोले बाहर निकल जाते, तो वैसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? खाली दुकान पे ऐसा हीट मार के वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि फोन फिक्स ज्वाइन कर दो और अच्छा सा काम सीख लो। बहरहाल आप काम सीख के काम करो, कहीं भी जाओ आपकी मर्जी। हाँ। फोन फिक्स बोल के नहीं, कहीं भी जाओ, पर कस्टमर का मोबाइल खराब मत करो। हाँ। अच्छे से काम करो, बस सीख के काम करो। हाँ, सही। ताकि दूसरे को दे रहे ले जाके तो आधी इनकम तो वैसे भी जा रही। हाँ। अगर मोबाइल नहीं बना तो एक तो मूड खराब हो जा रहा, फिर दूसरा मोबाइल बनाना दिल भी नहीं बोलता ऐसे में। हाँ, फिर आप काम नहीं सीख के करोगे तो समझेंगे कि मैं इस काम के लायक नहीं। हाँ। तो एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे अच्छे से काम सिखाया जा रहा है। क्या बोलते हैं आप, अगर आपको ऐसी जगह पे मैं भेज दूं कि मेरे से वो आपसे सिखाना नहीं होगा, मैं आपको वीडियो दे देता हूं, टूल दे देता हूं, बैठ के घर पे सीख के? नहीं हो पाएगा सर, आज तक वही करते आए थे, 8 साल नहीं हुआ, तो अभी ऐसे थोड़े दिन से आपके 2 TV के वीडियो से या कुछ से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर नॉलेज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज्वाइन करना होगा, एक टीचर के साथ वक्त गुजारना होगा, तब कहीं जाके नॉलेज आती है आपको। फ्री में कौन देता भाई, आजकल दुनिया में बात भी नहीं करते। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता सर, कुछ भी नहीं मिलता फ्री में, खुद मेहनत करेंगे तो ही कुछ मिलता आपको। हाँ सर। और जो सोच के आए थे मिला आपको? बहुत, उससे ज़्यादा मिला सर। वो सॉफ्ट टॉपिक सर का तो अभी क्या बोल सकते हैं, मैं दुकान में भी सॉफ्टवेयर की बहुत सारी कोशिश करता था, अभी बहुत सारे एरर आते थे, कुछ समझ के नहीं बनता है करके छोड़ देता था, कोशिश बेकार जाती थी, अब नहीं जाएगी। हैंड स्किल में सागर सर कैसा सिखाए? बहुत अच्छा सर, अभी मेरे पास अभी टूल है, DC मशीन है, हॉट एयर गन है, पूरा सेटअप लगा लिया हूँ मैं, माइक्रोस्कोप तक है मेरे पास, मगर कौन सी चीज़ से क्या काम करना ये नॉलेज ही नहीं था, तो
वो लेके भी कुछ मतलब नहीं था। एक साल से मैं लेके खाली उसको देखते बैठा हूँ। टूल तो सारे थे बट नॉलेज तो आपको किसी ना किसी के पास साथ में वक्त गुजारने से ही आती। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पूछते हैं मेरे को हार्डवेयर है क्या, तो हम लोग उनको मना कर देते। बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में ऑनलाइन भी हार्डवेयर सिखा रहे हैं, आप ऑनलाइन क्यों नहीं करें भाई बताओ। रीजन सर ऑनलाइन से अभी इतने सारे वीडियो देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो अभी देख के प्रॉपर नॉलेज लेने से अच्छा है इसके इसके लिए यहाँ है। जो ऑफलाइन साथ में आप रह के काम सीखते वो ऑनलाइन सीख सकते क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं सर। अगर मैं 5,000 में यही कोड दे दूँ ऑनलाइन कर लो क्या बोल? नहीं सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। नहीं होता ना नहीं हो, क्योंकि रहने पर ही होता। ये प्रैक्टिकल का काम है, हार्डवेयर का काम ऐसा है SMD और आयरन लेके करने का काम है। हाँ वो तो साथ में रह के ही सीख सकते कहाँ गलती कर रहे हैं आप। हाँ तो ये तो यहाँ पे टीचर्स के साथ रहने पर ही पता चलता। वो बंदा एक घंटा ऑनलाइन में आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कैसे मालूम होता है उसको। बाकी सेटिस्फाई है कि नहीं है आप? बहुत सर बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। चलिए थैंक यू वेरी मच। मैं दो लोगों को सजेस्ट कर चुका हूँ। वाह क्या बात है, दिल से करें। हाँ दिल से करें। वाह क्या बात है, वो एक बार 2,000 क्लास इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर अलिस मोइन शरीफ के लिए 2,000 क्लास। मोइन कहाँ से आप? मैं बैंगलोर बैंगलोर कर्नाटक से हूँ। बैंगलोर कर्नाटक से कब से काम कर रहे थे आप? मैं 2-3 साल से इस फील्ड में हूँ, मगर चिप लेवल तक तो अभी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी काम कर रहे थे तो? मैं सिर्फ डिस्प्ले फिटिंग माइक स्पीकर उतने में ही था सर, IC लेवल तक मेरे को नॉलेज नहीं था तो मैं नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे क्या क्या सीख लिए 20 दिन में? सर बेसिक से हाई लेवल तक भी सिखाते हैं ना, तो सब नॉलेज तो अभी 20 दिन सीखे आप। अगर जाके 2 महीने ये चीज़ को अगर परफेक्ट हो जाए इसमें तो क्या लगता है आप मार्केट में क्या लेवल के टेक्नीशियन रहेंगे? परफेक्ट तो बन जाऊँगा सर, इधर से जो नॉलेज मिली है वो वेस्ट तो नहीं जाएगी। मैं देखा आपका जो आप ड्रा करते हैं डायग्राम वगैरह एकदम फेयर नोट सारी चीज़ बनाए आप लोग, हालांकि आज लाए नहीं सब लोग, हॉस्टल में रखे आ गए। आज दिखाना था मेरे को कितना आप लोग मेहनत करें। हालांकि पुराने वीडियोस में जाके डेली लाइव तो डालते हैं अपन, उसमें जाके देख सकते हैं। हाथ से ड्रॉ क्यों करें आप, पूरा फेयर नोट क्यों बनाए? ड्रॉ करेंगे तभी तो नॉलेज आएगा सर, कैसा सर्क्यूट्स कैसा है, कैसा ट्रेसिंग करना पड़ता है सभी जब लिखेंगे तभी तो दिमाग। अगर खाली अगर आपको TV पे बता दें, फोटोज बता दें या वीडियो बता दें तो क्या लगता है? चलेगा नहीं, उससे अच्छा यूट्यूब में कितना भी देख लो नहीं सीख। अभी आजकल यही चल रहा है, बस टूल दे दे रहे आपको या तो फिर खाली वीडियोज दे दे रहे या फोटोज दे दे रहे, तो क्या सीख पाएंगे आप? नहीं सर, क्योंकि इंस्टीट्यूट में जब तक टीचर के साथ है जब तो नहीं सीखे आप, अकेले घर में बैठ के क्या सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे सर, नहीं सीख पाएंगे। हैंड स्किल में बताऊँ क्या क्या कर लिए? हैंड स्किल में सर मैं तो बोल रहा हूँ ना, अब तक IC को छुआ भी नहीं था। इधर आने के बाद मेरे को ब्लड पेस्टेड कैसा रिमूव करना पड़ता है, वो सागर सर की ट्रिक बढ़िया लगी, और वो ड्यूल डेकर को कैसा वी बॉल करके फिक्स करना पड़ता है वो ट्रिक बढ़िया लगी। लाइव देखे आप सर? हाँ सर। जो भी रिपेयर करते हैं या जो भी करते हैं लाइव बताए आपको? हाँ सर। तो जो लाइव बताया अगर वही तरीके से अगर आप कर्म करेंगे तो ही सक्सेस हो पाता। हाँ सर। अगर आप अपने पुराने तरीके से करने गए तो फिर रिजल्ट भी पुराना ही मिलता है।